सबसे पहले आशुतोष जी आपसे शुरुआत करते हुए, मास्टर स्ट्रोक आज का ये दांव क्या काम करेगा आम आदमी पार्टी के लिए? आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, क्या कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, डेस्परेट स्ट्रोक अगर आप कह सकते हैं कि जब आपको ये लगे कि आपकी इनिंग सब थोड़ी कमजोर होने लगी है और आखिर के कुछ ओवर में आपको ज्यादा रन बनाने हैं तो आप डेस्परेट एक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इट्स टू लेट एंड टू लिटिल। उसके कारण बहुत सिंपल है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की छवि बहुत निखरती अगर वो जेल जाने के पहले अपने पद से इस्तीफा देते। अब जेल जाने के बाद जिस तरीके से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है और लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार कैसे चला सकता है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल नई बात थी, पूरी तरीके से असंवैधानिक थी, इलीगल था और गलत था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल भी पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं जा सकते, और जिस तरीके से बीजेपी ने उनकी सरकार को बर्खास्त करने की मुहिम शुरू की थी, लगातार उनका इस्तीफा मांग रही थी, उनको लगा कि अगर अब हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो मेरी छवि और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के अंदर चुनाव होने वाले। ठीक है। और उसके बाद जो उससे बड़ा ब्लंडर ये किया कि आतिशी को अगर आपने मुख्यमंत्री बनाया था तो ये परसेप्शन होना चाहिए कि आतिशी एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेगी, न कि डमी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेगी। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपकी बातों से आज कम से कम संगीत रागे खुश हो सकते हैं, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1998 के बाद बीजेपी की सरकार बनी नहीं है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले गोपाल राय पहले भी मंत्री रहे, आज फिर मंत्री पद की शपथ लेते हुए आतिशी के मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देंगे। ठीक शपथ ग्रहण के पहले गोपाल राय क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। गोपाल राय हैं हमारे साथ जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक भी हैं। क्या आपकी चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती रहेगी? सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आप दोबारा मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, इस समय दिल्ली के सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती है कि दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके जो आखिरी 3 महीने हैं इनमें कैसे जो काम चल रहे हैं उनको जनता के साथ मिलकर के उसे पूरा किया जाए, और दूसरा जो खतरा मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो उनकी कोशिश है कि हर समय उनकी फिलॉसफी है, वो कहते हैं जी फ्री ब्रिज नहीं चाहिए, तो जो ये खतरा है कि अगर दिल्ली के अंदर हर फिराक में है कि किसी तरह से जो सुविधाएं पब्लिक को मिल रही हैं, बिजली की, पानी की, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक, उसके ऊपर जो रोक और हर तरह की पाबंदी और घेरेबंदी की कोशिश है, उससे उन कामों की कैसे रक्षा की जाए। जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल शुरू करने जा रहे हैं, आपने मंडल प्रभारी जो थे उनको भी संबोधित किया, क्या है इसके पीछे मकसद और क्या तैयारी है, ये स्वरूप क्या होगा इसका जनता की अदालत? जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया था पार्टी मुख्यालय पर कि जब तक दिल्ली के लोग दोबारा चुन करके हमें नहीं भेजते हैं तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, दिल्ली के लोग अगर हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें वोट दें, ईमानदार नहीं मानते हैं तो हमें वोट ना दें। इसके पहले संगीत रागी जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी, हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हालांकि सिर्फ 52 दिनों तक ही, वो 1998 में सिर्फ 52 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाई थी। साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफा देने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, प्याज की कीमतों की वजह से साहिब सिंह वर्मा को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद सुषमा स्वराज को हराकर शीला दीक्षित आती है सरकार में, और फिर 15 साल तक लगातार शीला दीक्षित की ओर से कमान संभाली जाती है, 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है। आपको बताते चले, आधुनिक दिल्ली का शिल्पी भी कहा जाता है शीला दीक्षित को, जो बड़ा काम उनकी ओर से राजधानी दिल्ली में कहा गया था, और अब आतिशी की ये पारी कितनी कामयाब होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से संगीत रागी जी आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, नए जोश के साथ आम आदमी पार्टी आज से आतिशी पारी शुरू करने जा रही है। ये जोश दिखाने का जोश है, वाकई में आशुतोष की बात से सहमत हूँ कि ये मजबूरी का, जिसे हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन है,
ये उनको लगा कि अब हम मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, कल तक तो हम एक मॉरल ये एक ग्राउंड लिए हुए थे कि हम जेल से भी चला करके हम दिखाते हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह पा रही थी कि हाँ जेल से चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो है वो ये तय नहीं कर पा रहा था, केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं तय कर पा रहा था कि इन्हें बर्खास्त करने से हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा या हमको घाटा मिलेगा, वैसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए ये उनके मन के अनुसार ही ये चल रहा था चीजें। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आ गई कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार की मजबूरी बन गई थी। दूसरी बात आप देखेंगे कि ऐसे में अंतिम समय में जब भी आप वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं। सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हार गई थी। उससे पहले जो है वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई थी। यहां भी जो है मुझे लगता है कि आज के दिन में, कल ही आज तक पर एक शो चल रहा था और हमने देखा कि जो जनता का ऑडियंस है जी, 90% सवाल है वो आम आदमी पार्टी से पूछ रहा था। जब ऐसी चीजें होने लगे तो आप समझ जाइए कि तो जनता जो सरकार में रहता है सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना संजय त्यागी जी। ठीक है, मैं लौटी हूँ आपके पास। संजय कुमार जी भी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पंकज जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, सीधे आपके पास आते हुए, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आतिशी कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाली है, और क्या तैयारियां हैं, क्या खास होने जा रहा है पहले के मुकाबले, इस बार क्या अलग होने जा रहा है, इसके बारे में क्या देंगे जानकारी पंकज? देखिए, हमने देखा है हमेशा से कि जब भी आम आदमी पार्टी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है तो रामलीला मैदान से तस्वीर सामने आई है, लेकिन क्योंकि अब कम वक्त बचा है और ऐसे में सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि वो सीधे कामकाज पर उतरना चाहती है, तो ऐसे में राजनिवास पर अब जल्द से जल्द शपथ आम आदमी पार्टी चाहती है कि हो जाए। तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं, यहाँ आप तस्वीर देखते रहिए, आपको सामने आम आदमी पार्टी के विधायक जाते हुए नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि जो भाजपा के सांसद हैं, जो कि पहले विधायक भी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कुछ देर पहले राजनिवास पहुंचे हुए हैं, और भाजपा सांसदों के अलावा भाजपा विधायकों और आम आदमी पार्टी के विधायकों के आने का सिलसिला भी यहां पर जारी है। जो दिल्ली नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं आल इकबाल, वो भी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल 4:12 हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है आतिशी का, जो कि नई मुख्यमंत्री होगी और साथ में मंत्रियों का। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल के घर से आतिशी रवाना होती है, हमें अलर्ट मिल जाएगा और वो सीधे यहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुंचेंगी। चित्रा, बिल्कुल तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार किया जा रहा है। अब 4 महीने के बाद ही दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, हालांकि उसके ठीक पहले आपको बता दें आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी को चुनौती दी जा रही है कि पहले ही चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कौन कितने पानी में है, इस तरह के चैलेंज चुनौतियां दी जा रही है। संजय कुमार जी, मैं आ रही हूँ। ऐसी थी हाँ, तो उनको डिसॉल्व कर देने का एक रिकमेंडेशन करने की, ठीक है, एक संजय कुमार जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। संजय कुमार जी, लेकिन ये जो आतिशी पारी 43 साल की आतिशी के साथ आज आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आगामी चुनाव में इसका किस किस तरह से लाभ लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी? देखिए, 2-3 तरह से आम आदमी पार्टी को लाभ हो सकता है। लाभ एक आधार जानने देखने की जरूरत है कि अगर 3 महीने पहले चुनाव होता और आज में, तो एक तो है उन्होंने एक महिला चेहरे को आगे किया है चीफ मिनिस्टर के रूप में, और युवा हैं तो युवाओं को महिलाओं को लुभाने का एक प्रयास है। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर महिला और युवा उनकी ओर मोबिलाइज होंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी के रूप में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक पढ़ी लिखी महिला है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है अभी तक, तो इस बात का जिक्र किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है, केजरीवाल पर जो तमाम अटैक हो रहे थे बीजेपी के द्वारा कि शीश महल में रहते हैं, वो कहते थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बड़े बंगला में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, इन सब चीजों का पर से जो है अब अटैक बीजेपी केजरीवाल पर नहीं कर पाएगी। तो कई मायने में एक तरह से शील्ड आप कह सकते हैं कि एक कवच मिल गया है केजरीवाल को, तो केजरीवाल पर अटैक कम होगा और आतिशी को सामने लाने से कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा।
कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। संगीत रागी जी, आप बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे, देखिए इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि जितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, ना ही वो कांग्रेस को कभी नसीब हुई थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी को कभी नसीब हुई थी। 70 में से 62 सीटें, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इतने कम उम्र की पार्टी को इतनी सारी उपलब्धियां हासिल हुई है। लेकिन आपको ऐसा कौन सा दांव लग रहा है बीजेपी का जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार बड़ी मुश्किल होगी? चित्रा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो राजनीति का वो दिल्ली के लिए दौर अलग था और वो दौर 2014 के मैं ये दौर कह सकता हूँ कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने एक प्रकार का इतना देशव्यापी एक प्रकार के आंदोलन खड़ा कर दिया था कि ऐसे वो एक आम आदमी पार्टी उसमें एक नई रोशनी लेकर के आया था, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के आया था। बड़े बड़े लोग हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपना पत्रकारिता छोड़ करके आ गए थे, ऐसे कॉरपोरेट के बहुत सारे हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ करके और इस नई राजनीति के विकल्प वैकल्पिक राजनीति के लिए लोग आए थे। आज के दिन में आम आदमी पार्टी एक वैसी ही पार्टी हो गई है जैसे अन्य पार्टियां हैं, राजर मैं कह सकता हूं कि उससे ज्यादा उसका राजनीतिक पतन हो गया है, नैतिक पतन हो गया है। लालू प्रसाद यादव भी जेल जाने से पहले अपनी गद्दी छोड़ करके अपनी पत्नी को देकर के गए। ठीक है, जा करके यदि आप झारखंड चले जाएं, अन्य जगहों पर चले जाएं, तो वही स्थिति। अरविंद केजरीवाल की जिद ये थी कि हम जेल जाने से पहले, हम जेल में रहते हुए हम जेल से ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के दबाव में मैंने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप जिस प्रकार से उन पर लगे और जो उस प्रकार उन्होंने मंत्रिमंडल की तस्वीरें यहाँ पर, वो तमाम चेहरे आप देख रहे हैं। देखिए आतिशी ठीक मुख्यमंत्री के बाईं तरफ खड़ी हुई है, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको गोपाल राय दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय से बातचीत भी हमने आपको दिखाई। तमाम ये वो चेहरे हैं जो आज यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर सबसे पहले ये फोटो सेशन हुआ है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हैं। पहले 49 दिनों की इन्होंने सरकार बनाई 2013 में सत्ता में आने के बाद, उसके बाद 49 दिनों में इस्तीफा दिया, फिर 70 में से 67 सीटें अभूतपूर्व जीत अरविंद केजरीवाल हासिल करते हैं, उसके बाद 62 सीटें 2020 में मिलती हैं। पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें भी, मतलब घर में जगह भी बहुत चुनकर तस्वीरों के साथ फोटो सेशन के लिए देखा जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आतिशी अपने नए मंत्रिमंडल के साथ थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी।